Hello all, I am here with you with a new video of chapter number 4, and this is the continue video for the chapter that is structure of atom. So in today's video we'll cover these three topics that is given in the screen, that is Bohr's model of an atom, neutron discovery, electron distribution according to Bohr's model. ठीक है students, तो start करते हैं आज का lecture. तो students, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं postulates of Bohr model. ओके स्टूडेंट्स, तो बोर के पोस्टुलेट के हिसाब से सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, ओनली सर्टेन ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्बिट जो आपको दिख रहे हैं ब्लू और येलो कलर से मैंने इंडिकेट किए हैं, ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो पाई. ओके, ओनली अंडर अ डिफरेंट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स देयर exist a presence of electron, ऐसे बोला था बोर ने. सेकेंड, वाइल रिवॉल्विंग इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. ठीक है स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ऐसे बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब सर्क्यूलर पाथ में रोटेट करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और फाइनली जब इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, तब वो पूरा एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा. पर बोर ने ऐसा बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में मूव करता है तब वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कोई भी अपनी एनर्जी वो लूज नहीं करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोर्स मॉडल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इन रदरफोर्ड्स मॉडल व्हाट रदरफोर्ड टोल्ड अस, ही टोल्ड अस दैट इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी. तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एरो से इंडिकेट किया है, ठीक है, वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, E इज इक्वल टू एच इन टू म्यू. तो अभी आपको कितनी एनर्जी रिलीज करेगा उससे कंसर्न नहीं लेना है, ठीक है. पर बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करने वाला है, ठीक है. तो ये रदरफोर्ड मॉडल का पूरा ध्यान में रखते हुए बोर ने ऐसे बोल दिया कि भाई ये जो रदरफोर्ड ने बोला था वो बात गलत है, इसलिए उनका मॉडल फेल हुआ था, ठीक है. देन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड दिस सर्क्युलर ऑर्बिट, वी मस्ट हैव आइडिया. ओके स्टूडेंट्स, सो उसके लिए ही रदरफोर्ड ने क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन है उसका एक डिस्क्रीट डिफरेंट ऑर्बिट है, ठीक है, उसका एक लोकेशन है, ठीक है. तो आप देख सकते हो राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस देर आर फोर ऑर्बिट्स एंड द नेम ऑफ द फोर शेल और ऑर्बिट्स आर के एल एम एन. देर आर फोर शेल दैट इज के एल एम एन रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर दैट इज एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 and 4. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पढ़ने की ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स. तो अगर हमारा n इक्वल टू 1 है, आप देख सकते हो टेबल में, तो शेल का नेम होगा k, और अगर आप 2n स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे n की जगह पे 1 रख के, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे. तो आप फिगर में देख सकते हो k शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है. सेम वे इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर l शेल, तो उसका n होगा 2, मतलब रोल नंबर उसका 2 है. तो अगर वही n की वैल्यू मैं फॉर्मूला में रखूँगा स्टूडेंट्स, तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. आप देख सकते हो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिर से इंडिकेट किए हैं L शेल में, जो हमारा सेकंड शेल है आफ्टर द न्यूक्लियस. सेम वे इफ़ यू कैलकुलेट फॉर M शेल यू विल गेट 18 इलेक्ट्रॉन. सेम वे इफ़ यू कैलकुलेट फॉर N शेल यू विल गेट 32 इलेक्ट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सबको इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं वो कितना हो सकता है, या फिर कितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल्स में हो सकते हैं, वो उसका आइडिया आ गया होगा जो बोर ने हमें बताया था. फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है. तो अभी तक दो पार्टिकल्स हमें मालूम थे, जो गोल्डस्टाइन ने बताया था कि भाई प्रोटॉन है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था केनाल रेस का, उसमें से उनको मालूम पड़ गया. जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. उसके बाद 1932 में, बहुत सालों के बाद, केडविक नामक एक साइंटिस्ट ने बताया कि और एक सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट होता है जिसका कोई चार्ज ही नहीं है, पर उसका मास है वो कितना है, प्रोटॉन जितना है. कितना है, प्रोटॉन जितना है. सो व्हाट केडविक टोल्ड अस दैट देयर एग्जिस्ट वन मोर सब एटॉमिक पार्टिकल इन द न्यूक्लियस विच हैज नो चार्ज. उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, पर उसका मास है कितना है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है. And it is exactly equal to that of mass of proton. तो इसलिए मैंने m of p plus is equal to m of n दिखाया है. That is mass of proton is equal to mass of neutron. Neutron is represented by symbol n. And as you all know that mass of atom is
nowadays calculated as mass of proton plus mass of neutron. तो इसी से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही मालूम हो गया था कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो पूरे एटम का मास हम कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, प्रोटॉन का मास को अगर हम न्यूट्रॉन के मास के साथ ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि मास ऑफ एटम है. न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन. ठीक है, न्यूट्रॉन सभी एटम में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन में स्टूडेंट्स एक प्रोटॉन होता है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, और उसका एटॉमिक मास भी वन है. तो आप अगर फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास भी वन और प्रोटॉन भी वन, मतलब वन माइनस वन न्यूट्रॉन हो गया जीरो. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सभी चीज़ें नोट डाउन करते रहना है आपको. आगे जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी है. मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर जेड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो बोर ने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग शेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उन्होंने तीन अलग अलग रूल दिए थे. ठीक है, ही गेव थ्री रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ शेल कैन ऑक्यूपाई कैन बी गिवन बाय अ फॉर्मूला दैट इज 2n² दैट आई ऑलरेडी टॉट यू ओके इन द प्रीवियस स्लाइड एज वेल. सो इफ n इज इक्वल टू 1 दैट इज k शेल, सो द फॉर्मूला इज 2n² इफ यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1 यू विल गेट आंसर एज 2 एज इट इज मेंशन इन दिस टेबल. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नथिंग बट 8. ओके स्टूडेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो लास्ट वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, 8. तो ये स्टूडेंट रूल आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जब हम वैलेंसी का टेबल बनाने वाले हैं उसमें ये रूल का मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं कि लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते. इसको ऑक्टेट रूल बोला जाता है. क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट का मतलब होता है 8 नंबर. ओके, क्योंकि 8 नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट तो वो एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल बोला जाता है केमिस्ट्री में. ठीक है, लास्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिल्ड इन गिवन शेल इफ इनर शेल इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड. उसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सबसे पहले के शेल भरेगा, के शेल के बाद में ही एल शेल भरने वाला है. मतलब मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो दो इलेक्ट्रॉन एल में डाल दिए और के को खाली रखा. सबसे पहले के भरेगा तो दो इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है राइट. सपोज हम लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें पहले के शेल भर जाएंगे क्योंकि के शेल में दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो पाएंगे, उसके बाद वो एल में जाएगा. एल में 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो पाएंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में चला जाएगा. इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट बी टेंस. बस अभी आप ऐसा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द गिवन सेल इफ द प्रीवियस सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड. पहले वाला सेल अगर पूरा कैपेसिटी से भर गया है तभी अभी के प्रेजेंट सेल में वो भरने वाला है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला क्या है सभी शेल के मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का, 2n². ओके स्टूडेंट्स, जो आपको मालूम है. अब हम स्टूडेंट्स आगे जाते हैं. मैंने वही चीज़ समझाने के लिए एक डायग्राम रखा हुआ है. तो सेकंड पॉइंट था स्टूडेंट्स इसके अगली वाली स्लाइड का, उसमें क्या बोला गया था कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी एक सेल की 8 इलेक्ट्रॉन. 9 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं तो वो एटम में चलेगा नहीं, मतलब एक भी एटम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें लास्ट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है पूरा. थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स मैंने ये बोला है कि सबसे पहले के वाला शेल है वो एकोमोडेट होगा, आप देख सकते हो, उसके बाद एल वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होंगे. इसलिए आप एरो देख सकते हो, सबसे पहले के एकोमोडेट होगा 2 इलेक्ट्रॉन वाला, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद आपको मालूम है अगर एम है, एम शेल है 3, तो 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले 2 फिर 8, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पहले भर के उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे. ठीक है, 2, 8, 18, 32, ये नंबर स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, के एल एम एन के लिए होता है. ठीक है, फर्स्ट के शेल लास्टली एल, देन एल शेल लास्टली एम एन एन शेल. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, तो यही सब है. अब इसके हिसाब से स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं स्टूडेंट. तो सबसे पहले हाइड्रोजन का आएगा जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है. आप देख सकते हो कि बाहर एक बड़ा सा डार्क डॉट है. हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है स्टूडेंट्स. ठीक है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है स्टूडेंट्स.
आगे जाते हैं, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो के, उसके बाद एल शेल भरा है। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम है वो के शेल में एकोमोडेट हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिथियम में दो शेल्स हैं, के और एल, के पूरा भर गया दो इलेक्ट्रॉन से, एल शेल में एक आया। फिर से बेरिलियम 4 नंबर, के शेल पूरा एकोमोडेट हो गया दो इलेक्ट्रॉन के साथ, बेरिलियम के में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो बाकी के दो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो एल शेल में आ गए। बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, के शेल इज एकोमोडेटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन, 2+3 गिव्स अस 5। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन। एज यू ऑल नो, नाइट्रोजन हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स के शेल इज कम्प्लीटली एकोमोडेटेड एंड एल शेल इज फिल्ड विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स। एज यू कैन सी देयर इज एल शेल विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग टू द ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड रेस्ट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एल शेल। अगेन मूविंग टू फ्लोरिन, सो इन फ्लोरिन स्टूडेंट्स के शेल इज अगेन कम्प्लीटली फिल्ड एंड एल शेल इज फिल्ड विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फिल्ड विथ, यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरिन में 7 इलेक्ट्रॉन है। आगे जाते हैं नियोन, नियोन में अगेन के शेल पूरा भर गया है और इसमें बाहर के ऑर्बिट मतलब बाहर के शेल, एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब और एक ऑर्बिट ऐड होने वाला है नियोन के बाद, सोडियम आप देख सकते हो, ठीक है। तो सोडियम में के, एल और एम 3 ऑर्बिट आ गए, क्यों? क्योंकि के में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने हैं, 8, 2 और 8, 10, पर सोडियम का नंबर तो 11 है, तो 11वां इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो अब एम शेल में जाने वाला है क्योंकि के और एल शेल दोनों भर चुके हैं। ये रूल हमने ऑलरेडी सेकंड रूल जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का था उसमें हमने देखा है। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, एम जी दैट इज मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, के और एल तो पूरे भर गए हैं, 12 नंबर है, तो के और एल को मिला के 10 और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल में चले जाएंगे। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्यों 3, क्योंकि एल्यूमिनियम का नंबर है 13, तो के और एल को मिला के 10 इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए तो बाकी के 3 बचे वो एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सेम वे इफ़ यू सी फॉर सिलिकॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एम शेल बिकॉज के एन एल इज ऑक्यूपाइड विथ 10 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सबको एटॉमिक नंबर अच्छे से आना चाहिए। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, सल्फर, सल्फर का आप देख सकते हो कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में, 10 इलेक्ट्रॉन के और एल सेल से भर गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो सल्फर इज हैविंग एटॉमिक नंबर 16, सो 6 इलेक्ट्रॉन आर एकोमोडेटेड इन एम शेल। ओके स्टूडेंट्स, और आगे जाते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है, तो के और एल सेल को मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन और बाकी के बचे 7 जो एम शेल में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, यू कैन काउंट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज आर्गन, यू कैन सी ओवर हियर इन आउटर मोस्ट शेल हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर देयर, इट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाई एम शेल, क्योंकि हमने थर्ड रूल में ऐसा पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो सबसे लास्ट वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो आप काउंट कर लीजिए स्टूडेंट्स, के शेल में 2, एल शेल में मैक्सिमम 8 है और एम शेल में भी मैक्सिमम 8 है क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 नंबर, सो 2, 8, 8 हो गया, 2+8, 10, 10+8, 18। ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ? ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ दिस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज डन इन ईच एंड एवरी शेल एंड based on this electron distribution and by observing the last shell we will also count how valency is calculated. Thank you for watching my video.